हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीजे शैन ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं बैजनाथ, क्योंकि बैजनाथ में अभी हाल ही में बोटिंग स्टार्ट की गई है, वहां पर बोटिंग होती है। तो हम लोग बैजनाथ, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहुत ही बढ़िया जगह है। यहां पर एक प्रसिद्ध शिव जी का, भोलेनाथ का मंदिर है, और वहीं पर बोटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और आज बोटिंग करेंगे, और सभी लोग तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद हम लोग निकलते हैं और सीधे जाएंगे बैजनाथ, और हो सके तो हम और भी जगह घूमने के लिए जाएंगे, बट बैजनाथ जाना तो श्योर है, पक्का है, और वहाँ जाके हम बोटिंग करेंगे आज। तो चलते हैं बैजनाथ। तो दोस्तों, ये है एक बहुत ही खूबसूरत जगह, और यहाँ नहाने में बहुत मज़ा आता है। अभी हम दूर से ये दृश्य का आनंद ले रहे हैं, जिसमें ये लोग यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, और मैं हमेशा की तरह वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आप आवाज़ ही आवाज़ सुनेंगे, मैं बहुत कम दिखाई दूँगा क्योंकि मेरा पार्टनर नहीं है मेरे साथ, और ये पानी जो आता है बहुत पीछे ऊपर से आता है। तो दोस्तों, अभी हम हैं बैजनाथ में, और अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और टिकट हमने ले लिया है। तो अभी हम चार जने जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं बोटिंग, और हम हैं चार जने। तो अभी ये जो जगह है, ये बैजनाथ है, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है। तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और हम बोटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आज उत्तराखंड में हमारा लास्ट डे है, कल मॉर्निंग में हम दिल्ली के लिए निकलेंगे।
दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ग्वालदम की तरफ, और ये ग्वालदम में रास्ते में रुके हैं। नीचे जो है चाय के बगान, मतलब चाय की खेती होती है। तो ये आप मेरे पीछे जो हरियाली सी देख रहे हैं, ये पूरे चाय की खेती है। बहुत बड़ा बगान है यहाँ पर, ये पूरे एरिया में चाय की खेती की जाती है। और बस थोड़ा सा यहाँ पर रुके हैं, व्यू बहुत बढ़िया है, शानदार। जंगलों के बीच में चारों तरफ चीड़ के पेड़ है, और चीड़ के पेड़ के आसपास की एक अलग ही महक होती है, और बहुत बढ़िया लग रहा है। मौसम भी बहुत बढ़िया है, हल्की हल्की हवा चल रही है। तो और यहाँ पर बाकी लोग भी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, और इस जगह का आनंद ले रहे हैं। ऐसा ना बेटे, अन्न अन्न होता है। हाँ सही, सिंपल और क्या, सिंपल एंड सोबर, हेल्दी। तो दोस्तों ये है मेरे साथ तृप्ति परिहार। कौन? टप्पू, प्यार से बोला जाता है टप्पू, और इनका नाम है तृप्ति परिहार। घूम के आ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम घूम फिर के आ चुके हैं, घर पर आ चुके हैं, और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।